हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिपाशा बसु ने दिया बेटी को जन्म, करण सिंह ग्रोवर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाल ही में आलिया और रणवीर कपूर ने बेटी को जन्म दिया था। रणवीर आलिया के बाद बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने गुड न्यूज़ दे दी है। बिपाशा ने शनिवार सुबह को एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। हाल ही में रणवीर और आलिया के प्यारी सी बेटी की जन्म की खुशी बॉलीवुड में किसी का ठिकाना नहीं था। हर एक गलियारे में इस कपल को गुड न्यूज़ दी जा रही थी। बी टाउन के ग्लैमस कपल्स कहे जाने वाले बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर को घर में लक्ष्मी आई है। इस खूबसूरत कपल ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया है। इंस्टा बॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार बिपाशा ने शनिवार सुबह बेटी को जन्म दिया। आपको बता दें, शादी में पूरे 6 साल बाद बिपाशा पेरेंट्स बनी हैं और करण सिंह ग्रोवर दोनों ही पेरेंट्स बने हैं। बिपाशा बसु ने अगस्त में अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी। तब से लेकर अब तक कई बार कपल ने ग्लैमस पिक्चर शेयर भी की है। बिपाशा ने कई मैटरनिटी शूट भी कराया था। अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े उन्होंने कुछ खास वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। कुछ महीने पहले ही बिपाशा बसु ने बॉम्बे को दिया इंटरव्यू में बताया था कि वह करण एक बेटी चाहते हैं। उनकी तमन्ना है कि उनके घर में एक लक्ष्मी आए और वैसा ही हुआ। उनको एक बेबी गर्ल हुआ जिसके बाद से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हमेशा के लिए पहले से ही तैयार रहते थे क्योंकि उन्होंने कहा था करण और मैं सिर्फ शुरू से क्लियर थे कि हमें बेबी चाहिए और वैसा ही हुआ। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी ऐलान के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। ये करण सिंह ग्रोवर की डेब्यू मूवी थी जिसमें वह बिपाशा बसु के लव इंस्टेंट बने थे। पहली फिल्म में सेट पर करण बिपाशा से नज़दीकियाँ बढ़ी थी, जबकि ऐलान की शूटिंग के दौरान करण जेनिफर बिगरेट से साथ शादी के बंधन में बंधे थे। बिपाशा ने उनसे अफेयर की खबरों के बीच करण और जेनिफ के बीच मनमुटाव होने लगे। इसके बाद दोनों अलग होने का फैसला कर लिया और दोनों फिर अलग हो गए और फिर इन दोनों ने शादी कर ली।